महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। सखियों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ऋतु आर्या। वैसे हम हर रोज किसी न किसी रोग के बारे में बात जरूर करते हैं अपने कार्यक्रम महकता आंचल में, और आज भी इसी सिलसिले को और अपनी बातों के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही आंखों से डर अपना विकराल रूप धारण कर पहाड़ झांकने लगता है। शायद आप समझ गई होंगी ना कि मैं किस रोग के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रही हूँ कैंसर रोग की। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि कैंसर के प्रति बहुत कम जागरूकता पाई जाती है। कभी हम शरीर के किसी भी भाग में हो रहे रोग को कैंसर समझ लेते हैं और कभी कैंसर होने पर भी उसे कैंसर नहीं समझते, और एक रिसर्च के अनुसार लगभग 80% लोगों में इसकी भ्रांति देखी गई है और जिसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ बन जाना या फिर घाव का ठीक न होना, इसमें भी कई बार गलतफहमियां देखी गई हैं, और यही वजह है कि कैंसर को भयानक बीमारी माना जाता है। कि इस बीमारी का पता जल्दी और आसानी से नहीं लग पाता है, और जब पता लगने की स्थिति में आता है तो यह अपना प्रभाव फैला चुका होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कैंसर के प्रति जानकारी रखना आवश्यक है या नहीं है। आइए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी नज़र में कैंसर क्या है आखिर। दीदी, अपन नाम किशन? मेरा नाम से इंदिरा विष्ट, मैं सुनकर अरविंद आ रही हूँ। अच्छा दीदी, ये बताओ अपन नजर में कैंसर की छा, कैंसर क्या क्या मान छा? मेरे नजर में कैंसर एक बहुत ठुल बीमारी छा, उगबे बैजबियर रंचेन। कैंसर का इलाज टाइम पर हो गया ठीक से तर बच पान मुश्किल छ, और कैंसर जिसके बच्चेदानी कैंसर छ, सैनी में अक्सर यह रोग दिखी जाऊँ, और बीड़ी तम्बाकू जो यूज करने इसलिए ज्यादातर ये रोग पकड़ने और ज्यादा जानकारी मिलती है। चलो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीदी और थी, उनसे पहले हम जानकारी ले लूँ। दीदी अपन नाम किस है? मेरा नाम से धनी मेहरा सा, और मैं आ रही हूँ सुन के बेटी। बिल्कुल, तो धनी जी आपको बता रहा अपन नजर में कैंसर क्या छा? मेरे नजर में कैंसर बहुत एक ठुल बीमारी छ, अगर एक टाइम पर इलाज हो गया ठीक है न हो फिर कि इंसान के मौत जा। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार रितु जी, मेरा नाम लाल सिंह डंगवाल है। जी तो डंगवाल जी, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर को लेके, तो आपकी नजरों में कैंसर क्या है, आप किसे कैंसर मानते हैं? देखिए, कैंसर की जो बीमारी है अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो हम रखते नहीं है वैसे, क्योंकि अब ये तो बहुत एक किस्म से क्रिटिकल इश्यूज है। अब इसमें जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने सुना है जो कैंसर के बारे में, इसमें जो कहते हैं कि जो कैंसर है पहले तो लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आज के समय में लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आज कैंसर अपना भयावह रूप बनता जा रहा है इसमें जी। और जो इसकी जानकारी की बात है, मैंने सुना है कि गले का कैंसर भी होता है, हाँ पेट का कैंसर होता है, और महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, ये यूटरस वहाँ से भी पनपता है ये कैंसर, इसके ऐसी मुझे थोड़ी मोटी मोटी जानकारी है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है मनोहर बगड़वाल, लेटी गुंगा का निवासी हूँ मैं। जी तो मनोहर जी, ये बताइए आप कैंसर किसे मानते हैं, आपकी नजरों में कैंसर क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कैंसर होता है वो बहुत से तरीकों से कैंसर हो सकता है, जैसे आदमी धूम्रपान करता है या फिर और उसका खान पान किस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसी बीमारियां जिसमें आदमी अवॉइड नहीं होता, उसके उसमें जागरूक नहीं होता है, वो अंदरूनी तौर पर हो जाती है, उसको पता नहीं चल पाता है, बाद में कुछ समय बाद पता चलता है कि वो अंदरूनी तौर पर फैल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि कैंसर एक ऐसी चीज है जो शरीर के बाहर ना होकर के अंदर ही अंदर फैलती है, और जो कुछ समय बाद जाकर के हमें पता चलती है, तो इस तरह की चीज है, और जो सही होने में थोड़ा समय लगा सकती है, मेरे ख्याल से वो कैंसर होता है। नमस्कार दीदी, अपन नाम किस है? नमस्कार दीदी, मेरा नाम खष्टी सर।
अच्छा थर्स्टी जी, आपको कुआल गोमर अच्छा मैं सुन क्या गोमेर हूँ। ये बताओ कैंसर के बारे में सुन रहा ने, तो अपन नजर में कैंसर क्या है जरा सा बता ला हम। कैंसर कहते कि जिसके मतलब कैंसर तो बहुत प्रकार होगा, स्तन कैंसर लो जो और बच्चेदानी कैंसर लो जो, उसके लिए कहते कि फोड़ा फुंसी हूँ छोटू रूप ले लेने उगले कैंसर रूप बदल लियो। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो थोड़ा सा आगे कहीं का बढ़ू। एक दीदी तला और उन थोड़ा पूछ लो, दीदी अपन नाम की छोटे आपको कहाँ अच्छा बुरा सिंह। अच्छा तो आपूल तो कैंसर बारे में जान रहा है सुन रहा है, तो अपन नजर में कैंसर की छे कैंसर तो सो तो कति गिर गयो लाग गए उमे अगर पागन स्टार्ट हो तो उले कैंसर है वो। आपू कुआल कतु कैंसर के बारे में जान छा आप कैंसर के बारे में जबकि कतु प्रकार मतलब दांत दर्द होगो उमे पाग गयो तो नाक सोरल टाइप होगो उले कैंसर होगो और कति की ये फोड़ा हो जाते हैं फोड़ा गुजे पर ले अगर ये इलाज नहीं होगा ये कैंसर होगा। एक के साथ साथ और दीदी बहनिया छे उन पास तो जानो, दीदी अपन नाम की छे। मेरा नाम बसंती मेहता छे। आपको बताला अपन नजर में कैंसर की छे आपको आखिर का कैंसर मान छा। कैंसर बहुत प्रकार हूँ, स्तन कैंसर और बच्चेदानी कैंसर और या कोई फोड़ा फुंसी हो जिन्हें उन्मेला कैंसर हो जाए जिसके हम दांत वगैरह तोड़ो अगर वो सही के वही इलाज नहीं करेगा उन्मेला कैंसर हो जा और क्या कहने जिसका हम ये महावारी अगिल पछिला लीजिए दवा वगैरह खा लीनो वही बहुत भयानक रूप ले लिये। सबसे ठूल महिलाओं में क्या करने बच्चेदानी कैंसर होना कारण यही है जो हमें महावारी लीजिए दवा ले लीनो लेकिन महिलाओं लोग दवा के यूज नहीं करन चाहिए। कत्ती सुन में है कि वील अगर कहीं के कैंसर होगा सर तो कि वील वो दवा खा रही तो वही वजह पर बच्चेदानी कैंसर होगा। और हाँ इसके अलावा भी आप लोगों ने एक बात बहुत ज्यादा सुनी होगी, खासकर घर में बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि नासूर हो गया तो फिर क्या होगा, इसका इलाज जल्दी से करा लो, तमाम बातें। लेकिन ये हमारे साथ तब होता है जब रोग सबके सामने हो, मतलब जिसे हम देख सकें। अगर रोग शरीर के किसी ऐसे अंग में हो जो परिवार के सामने नहीं रख सकते तो मुसीबत बढ़ जाती है। पर दोस्तों कैंसर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपका मनोरंजन कराते हैं, तो सुनिए ये गाना।
बिहारी बान मैं ते आज भारी लागो तेरो मैं जान मैं छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा मैं छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा रंगीली बाहर आई रे रंगीली बाहर आई रे छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा मैं छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा रंगीली बाहर आई रे रंगीली बाहर आई रे मैं दिल जान दिया ओ मेरा स्वामी मैं दिल जान दिया ओ मेरा स्वामी बीजू की नारी लगी रे मैं छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा मैं छोड़ी जन जाए ओ मेरी सुवा रंगीली बाहर आई। वैसे विशेषकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 80% भ्रांतियाँ या फिर लापरवाही से अधिकतर महिलाओं में होती है, फिर चाहे ये उनकी मजबूरी हो या फिर कोई और बात हो, लेकिन रोग छुप जाता है जिस कारण न तो डॉक्टर की सलाह मिल पाती है और न ही हमारा खान पान हमारा रहन सहन एक सही प्रक्रिया में आ पाता है। चलिए आज इस रोग यानी कैंसर की बात तो हो ही रही है, तो क्यों नहीं इसकी गहराई में जाया जाए और सारे भ्रम दूर करे जाए। तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं और आज मैं आपको मिलाती हूँ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी से। कैंसर अपने ही शरीर में कुछ कोशिकाओं की अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, जिसमें कंट्रोल सिस्टम सारे खत्म हो गए। ऐसा इसलिए होता है कि अपना शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो अपने ही शरीर की जो सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है उसको शरीर रिपेयर नहीं कर पाता है, न उस सेल्स को खत्म कर पाता है जी। उसके फलस्वरूप कैंसर का अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड सेल्स की ग्रोथ होती है, वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो सखियो, आज आपको पता चल गया होगा कि कैंसर क्या है और कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आइए सुनते हैं इन बातों को। क्या आपको मालूम है मासिक चक्र के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुके तो इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। और हाँ, तिल जैसा दिखने वाला हर निशान तिल नहीं होता, इसे भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये स्किन कैंसर भी हो सकता है वैसे हर तरह का दर्द कैंसर तो नहीं होता, लेकिन इसे हल्के में ना लें, ये भी कैंसर हो सकता है, जैसे सिर में दर्द या फिर पेट का दर्द हो, पेशाब में खून आना, गले में खराश। जरूरी तो नहीं कि कैंसर ही हो, पर सावधानी तो जरूरी है ना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल। क्या आप जानते हैं कर्क रोग चिकित्सकी शब्द में कैंसर या कर्क रोग को एक घातक रोग के रूप में जाना जाता है। कैंसर या कर्क रोग बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो वास्तव में कोशिकाओं के विभाजन व अनियंत्रित विकास के कारण होता है।